गरीब का हाल क्या होगा? बहुत बुरा हाल है बेचारे गरीब का। गैस महंगी हो रही है। अरे तो होने लो क्या, बहुत महंगी हो रही है, मगर गरीब तो पिसता ही चला जा रहा बेटा। गैस है कहाँ जो रेट बढ़ा रहे हैं? हम लोग तो पहले वैसे मरे हैं, पहले तो गैस के बिल भी आ रहे हैं और हमने सिलेंडर पे खाना बना रहे, गैस नहीं मिल रही हमको। एक न्यूज के साथ मैं हूँ अब्दुल्ला जमाल। महंगाई का एक और बम आवाम पे गिराया जा रहा है और वो कौन सी सूरत है? वो ये सूरत है कि गैस के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। आवाम परेशान है या खुश है, आइए लोगों से पूछते हैं। गैस महंगी हो रही है दोबारा? गैस महंगी हो रही है? अरे तो होने लो क्या, आपको क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? सस्ती करवाओगे? नहीं, आपको क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, लेकिन सस्ती करवाओगे तो फर्क होगा। बहुत महंगी हो रही है, मगर गरीब तो पिसता ही चला जा रहा बेटा। बहुत पिस रहा है बंदा, करे तो क्या करे, कहाँ जाए, किसके पास जाए? गैस जो महंगी हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट ही और कौन है? गैस कहाँ है? नहीं आ रही। गैस है कहाँ जो रेट बढ़ा रहे हैं? बिलाते हैं आपके? इनको शर्म और हया नहीं है कि गैस नहीं है, रेट बढ़ा रहे हैं, ना गैस है ना बिजली है। इन बेगैरतों को शर्म आनी चाहिए जो ये प्राइस बढ़ा रहे हैं, या IMF के दबाव में आके। आवाम कहाँ जाएगी, आवाम क्या करेगी? ना अखलाक रहा, ना तालीम रही, ना रोज़गार रहा, क्या करेंगे यार? किस तरीके से ये लोग अपने बच्चों को पालेंगे, क्या करेंगे? इन्हें कोई शर्म नहीं है भाई। पहले आपका बिल कितना आता था? पहले तो 250-300 का आता था, अब तो 1000-1200-1500 ऐसा। गैस आती है? गैस भी नहीं आती। अच्छा, गरीब आदमी वो घर का किराया देगा, बिजली का बिल देगा, या गैस पे जो रेट बढ़ रहा है उसको बर्दाश्त करेगा? कहाँ से करेगा, बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, किस तरह से? हम लोग तो पहले वैसे मरे हुए, पहले तो गैस के बिल भी आ रहे हैं और हमने सिलेंडर पे खाना बना रहे, गैस नहीं मिल रही हमको। सिलेंडर का कितना खर्चा होता है? बहुत, हर हफ्ते ना हम लोग 300 का, हर हफ्ते 300 का भरवाते हैं, बिल आता है ना 3000 का बिल आता है, उसमें अलग पैसे मिलाते। भाईजान गैस होती नहीं है। हाँ सही है, जो बिल 300 रुपए का आता था, 400 रुपए का आता था, 13700 रुपए का गैस का बिल भेज दिया। अब ये जुल्म है या नहीं? आवाम का तो ऐसा निचोड़ दिया जैसे हमारे घर में टूथपेस्ट होता है ना, उसको चमचे से हम निकालते हैं आखिरी के अंदर यूं करके ना, बिल्कुल किस तरह से इस्तेमाल कर लें। हम तो वो लोग हैं यार, गरीब लोग, इन लोगों ने तो हमारा यह हाल करके छोड़ाएगा कि बिल्कुल टूथपेस्ट की तरह हमें निचोड़ के रख दिया। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन, ये हुक्मरान जिम्मेदार है यार? पहले वाले, अभी वाले, कौन से? एक ही है, पहले भी यही थे, अभी भी यही है, पहले भी यही थे। ये हटने वो आ जाते हैं, वो हटने, ये तो ढाई हुकूमत चल रही है इन लोगों की यार। गैस का बिल भाई, गैस तो आ नहीं रही है। हाँ। वो अगला पिछला सारा कसर निकाल लें, हज़ार हज़ार का बिल आ रहा है, गैस नहीं आ रहा, लाइनों में पानी भरे हुए हैं। गैस कंपनी वालों ने वो भेजा था अपना इंटरनेट पे कि ये आप बताएं, तो हमने उनको इंटरनेट पे बताया कि भाई गैस नहीं आ रहा, सारी शिकायतें दर्ज करा दी, बिलिंग जहाँ होती है वहाँ गए, उनको ये बोला सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा, यानी बिल बढ़ा रहे लेकिन शिकायतें नहीं सुन रहे? नहीं। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो हमारे हुक्मरान है। कौन? हुक्मरान के लोग हैं ना, जो हुकूमत कर रहे हैं वो लोग हैं, अब उसमें जो जो लोग हैं वो सारे वो ही। गैस महंगी हो रही है दोबारा? तो होने दो भाई, वो तो भरना है बिल और क्या करना है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो बहुत पड़ रहा है, क्या करें। गैस 24 घंटे आ रही है? नहीं, 24 घंटे नहीं। कितने घंटे आती है? ये लाइट आती है सुबह, सारी रात तो होती नहीं है। हो जाए भले, महंगी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, आग लगे में तो कहूँ। नहीं तो लोगों को आसानी होगी, मुश्किल होगी? मुश्किल होगी। क्या मुश्किल होगी? जब घरों के चूल्हे नहीं जलेंगे तो मुश्किल ही है बेटा। अभी जल रहे चूल्हे? अभी भी नहीं जल रहे। आवाम कैसे इतने बिल भरेगी? आवाम पहले भी आप भर रही थी, अब फिर भरेगी? नहीं भरेगी तो गैस तो वैसे भी नहीं आती, बिल तो आता है। बिल आ रहा है? बिल कंटिन्यू आता है। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी क्या करेगा, बेचारा बिल भरेगा, वरना सिलेंडर तो इस्तेमाल कर नहीं सकता वो। सिलेंडर भी तो महंगा है, सिलेंडर की गैस भी बहुत महंगी है। खाना कैसे बनाते हैं? लकड़ी का। कराची में रहते हुए आप लकड़ी पे खाना बनाते हैं? वजह? वहाँ क्या कर रहा है, पहले गैस थी। गरीब आदमी अब कहाँ से गैस लाएंगे? आप फिर भी मुस्करा रहे हैं। क्या कर रहा जी? खाने के लिए क्या निकले, हर चीज पे तो महंगाई है, बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, सब्जी भी महंगी, गोश्त भी महंगा, क्या चीज खाए? दालें सब्जी है वो महंगी, क्या चीज खाए? अरे बेटा, किस चीज के रेट नहीं बढ़े ये बताओ बेटा, आजकल गैस क्या, बिजली क्या, और सब्जी क्या, तरकारी क्या, मगर किसी को किसी का ख्याल नहीं है बेटा। अब आम के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी? बहुत मुश्किल हो रही है बेटा, इन लोगों से बोले
कि भाई गरीबों का ख्याल करें। जो पैसे वाले हैं वो तो मतलब अदा कर देंगे, लेकिन जो मतलब इतनी नहीं हैसियत रखते वो कैसे अदा करेंगे। और गैस 24 घंटे आ रही है? नहीं, 24 घंटे कहाँ, बस आती है सुबह 6 बजे और रात 10 बजे ख़त्म। उनकी मजबूरी हुकूमत की, IMF के प्रोग्राम में उनके तहत तो ज़ाहिर सी बात है बढ़ाएंगे, लेकिन आवाम के लिए मुश्किल नहीं होंगी? आवाम के लिए तो बहुत मुश्किल होगी, बिजली भी बढ़ेंगे, गैस के भले बढ़े हैं बिजली के नहीं बढ़े। अच्छा, बिजली के ना बढ़े। ज़्यादा बड़ा बोझ कौन सा है? बिजली का है, गैस का इतना बड़ा बोझ नहीं है। पहले आपका गैस का बिल कितना आता था? गैस का बिल हमारा 200-250 रुपये आता है, और अब 600-650 रुपये। एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह उतनी है, बड़ी नहीं है, ठीक है, वो क्या करेगा जब अब गैस बढ़ जाएगी, घर में खाना बनाएगा, करेगा तो क्या करेगा? खुदकुशी करेगा और क्या करेगा, और उसके पास कोई रास्ता दिख रहा है? बिजली बंद हो गई, बच्चे होते हैं, गैस का ताल्लुक खाने से है। जब गैस इतनी महंगी हो जाएगी तो लोग इस काबिल रहेंगे इस्तेमाल करने के? और रात को तो गैस आती भी रही है, 9 बजे से ही चली जाती है, 10 बजे तक चली जाती है, सुबह आती है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, कभी कभी तो 7 बजे तक आती है, 6 बजे आती है। गरीब का हाल क्या होगा? बहुत बुरा हाल है बेचारे गरीब का। बेटा, हम लोगों की तो ज़िंदगी इस हुकूमत ने बिल्कुल अजीरन कर दी है, किराए के मकान में रहते हैं, बच्चे हमारे तालीम से कासिर हो गए हैं बिल्कुल। अब ये बताइए, आपके इस महंगाई के दौर में हम क्या खाएं, क्या किराया दें, क्या बच्चों को तालीम दें? ये इस महंगाई ने इस